लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए केवल 5 दिन बचे हैं, लिहाजा निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं के लिए सभी कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ ही उनकी ड्यूटी पत्र भी वितरित कर दिए गए हैं। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि सभी विधानसभाओं के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह फिट कर दिए गए हैं। ईवीएम में कमीशनिंग के दौरान कुछ कंट्रोल और बैलेट यूनिटों को रिजेक्ट किया गया है। निर्वाचन विभाग ने मतदान कार्मिकों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधित सारे काम पूरे कर लिए हैं। बता दें कि नैनीताल जिले में 6 विधानसभा में 1010 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें लगभग 8 लाख मतदाता हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ईवीएम मशीन्स की कमीशनिंग है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कुल 6 सीट हैं विधानसभा नैनीताल जनपद में, और उसमें से 5 जो हैं वो नैनीताल उधमसिंह नगर सीट में है और रामनगर गढ़वाल सीट में है। तो जो 5 हमारी सीटें हैं उसकी ईवीएम कमीशनिंग की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, जिसमें 1242 बीयू, 1059 सीयू और 1275 वीवीपैट जो कमीशन कर लिए गए हैं, और इसमें 17 बीयू, 252 सीयू और 61 वीवीपैट जो है वो टेक्निकल रीजन से फिट नहीं थे, उनको रिजेक्ट किया गया है। रामनगर के केस में 196 बीयू, 166 सीयू और 199 वीवीपैट जो है वो कमीशन कर लिए गए, दे आर परफेक्टली फाइन, और बीयू 2, सीयू 32 और वीवीपैट 6 ये रिजेक्ट किए गए हैं। तो एक प्रकार से ईवीएम कमीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।